है, यहाँ तक कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्लास में आते हैं। नेक्स्ट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला था? फॉर्मूला था वी टू द पावर गामा माइनस वन। क्या? वी टू द पावर गामा गामा माइनस वन इक्वल टू क्या होता है? कॉन्स्टेंट। पढ़ा था, प्रोसेस पढ़ाई थी, उसमें आप लोगों को पढ़ाया गया था एक फॉर्मूला होता है टी वी टू द पावर गामा माइनस वन। क्या निकला था? एक कॉन्स्टेंट निकला था। कॉन्स्टेंट निकला था। अगर ये कॉन्स्टेंट निकला था, अगर ये कॉन्स्टेंट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं टी वन बी वन गामा माइनस वन इजिकल टू टी टू बी टू गामा माइनस वन इजिकल टू टी थ्री बी थ्री गामा माइनस वन। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा कब? जो हमने प्रोसेस पढ़ाई थी, आइडियालिटिक आइसोथर्मल आइसोबार आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ाई थी ना, उसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे। और आपको ये भी बताया था कि ये सारे फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इन सारे फॉर्मूले को हम कहाँ यूज करेंगे? हम यूज करेंगे इन द कार्नोट इंजन। जब हम कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी वगैरह निकालेंगे तो इन सारे फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। उसी में से कि फॉर्मूला, ठीक है, इसी फॉर्मूले को अगर हम टी वी टू की पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट आ जाए, अगर हम इसको कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं, अगर हम इसकी पोजिशन दो तीन या चार बार लेते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं टी वन वी वन टू की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन। इस तरीके से लेके चलते हैं टी वन वी वन वाला, उसी तरीके से इसको भी लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं फॉर बी सी, हम भी बी सी, बी से लेकर सी तक के फॉर बी सी एडियाबेटिक इक्वल और एडियाबेटिक प्रोसीजर या प्रोसेस। ठीक, बी सी मतलब यहां से लेकर यहां तक आइडियाबेटिक, ठीक, काम चल रहा है आइडियाबेटिक। आइडियाबेटिक के लिए भी हम यहां से चले तो यहां से हम कहां देखेंगे? वी टू है, वी टू ही तो आएगा, और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर टी वन है, ऊपर टी वन ही तो है, तो यहां पर लिखेंगे टी वन। और वॉल्यूम मिलेगा कितना आएगा? वी टू। वॉल्यूम मिलेगा कितना आएगा? वी टू गामा माइनस वन, ठीक है, इक्वल टू बराबर रहेगा सी पे, क्या आएगा सी पे? आएगा वी थ्री टी टू। यहां पर टेम्परेचर कितना है? टी टू बनेगी, तो सी टू वी थ्री टू की पावर गामा माइनस वन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी समझ में प्रॉब्लम आ रही है सर, टी वन टी टू वी थ्री कैसे हो गया, तो समझने के लिए केवल इतना ही है, जैसे हम किस पॉइंट पर और किस प्रोसीजर पर बात कर रहे हैं, है ना, किस प्रोसीजर पर बात कर रहे हैं, किसी प्रोसीजर पर बात कर रहे हैं, तो इस प्रोसीजर पर हम पहले टी के लिए निकालेंगे, ठीक, तो बी के लिए, और ये टी वन का मतलब टेम्परेचर ही है ना, बी का मतलब वॉल्यूम ही है ना, तो टी वन टेम्परेचर, इस वॉल्यूम पर टेम्परेचर कितना है? टी वन, तो हमने टेम्परेचर लिख दिया टी वन। क्लियर है? अब क्या लिखना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? यहाँ पर हम लिखना है किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है? बी टू है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बी टू वॉल्यूम टू दी पावर गामा माइनस, ठीक, टू बराबर आया। सी पॉइंट पर देखेंगे, सी पॉइंट पर कितना है टेम्परेचर, कितना लिख रहे हैं? टी टू ले रहे हैं, टी टू तो टेम्परेचर लिख रहे हैं, क्योंकि इस पूरी प्रोसीजर के दौरान टेम्परेचर कितना रह रहा है? टी टू रह रहा है, तो हम यहाँ पर कितना ले रहे हैं टेम्परेचर? टी टू ले रहे हैं, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना ले रहे हैं? वी थ्री ले रहे हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम आएगा वी थ्री थ्री टू दी पावर गामा माइनस वन। क्लियर? अब इसको हम थोड़ा सा और पॉइंट कर लेंगे तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं टी वन अपॉन टी टू, इसका पक्षांतर यहाँ कर लेंगे, बराबर हो जाएगा वी थ्री अपॉन वी टू, इसकी पावर गामा माइनस वन, इसकी पावर गामा माइनस वन, इसके होल पावर गामा माइनस वन। कोई दिक्कत? क्लियर है? आ गया, आगे समझ में? अब ये तो बीसी के लिए हो गया, किसके लिए हो गया? बीसी के लिए। अगर हम बी ए के लिए निकाले तो और बी ए, तो डी ए के लिए कितना होगा? डी ए के लिए देखो, सबसे पहले टी पॉइंट पर, टी पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है? टी टू वी फोर,
फोर टू दी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू ए, तो इस पर कितना है टी वन और वी वन टू दी पावर गामा माइनस वन, ये है कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको भी पक्षांतर कर लेंगे या हम इसको भी पक्षांतर कर लेंगे, तो इसको इस तरह पहुंचाएंगे तो हो जाएगा टी वन अपॉन टी टू, टी वन अपॉन टी टू इक्वल टू वी फोर अपॉन वी वन टू दी पावर गामा माइनस वन, ठीक है ना। टी वन के सामने वी फोर आ गया और टी टू के सामने वी वन, क्लियर ओके। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर भी टी वन है, यहाँ पर भी टी वन अपॉन टी टू है, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष कर सकते हैं ना, क्लियर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में कि वी थ्री अपॉन वी टू की पावर गामा माइनस वन, और यहाँ पर लिख देंगे हम वी फोर अपॉन वी वन की पावर गामा माइनस, क्लियर है, क्योंकि ये दोनों टी वन टी टू यहाँ पे टी टू टी वन टी टू यहाँ पे, यहाँ से देख रहे हैं हम पावर को कर देते हैं क्या कैंसिल आउट, क्या करते हैं पावर को हम कर देते हैं कैंसिल आउट, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा नेक्स्ट में वी थ्री अपॉन वी टू इक्वल टू वी फोर अपॉन वी वन हो जाएगा, या इसको हम इसको इधर पहुंचाने इसको इधर पहुंचाने ऐसा भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसीजर हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी v2 अपॉन v1 इक्वल टू v2 अपॉन v1 इक्वल टू v3 अपॉन v4, ये बन जाएगी हाँ, v2 अपॉन v1 इक्वल टू v3 अपॉन v4, क्लियर है, कोई दिक्कत, इसको यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है, चलो लिख लेते हैं। क्लियर है, अब हमारा आया v2 अपॉन v1 इक्वल टू v3 अपॉन v4, ठीक है। अब इसको हम कहां रखेंगे, इसको हम रखेंगे इस फॉर्मूले में, किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे, वन माइनस टी टू लॉग वी फोर अपॉन वी थ्री अपॉन टी वन लॉग वी टू अपॉन वी वन, यही है। अब इसमें हम रख लेंगे क्या, वी टू अपॉन वी वन का मान वी थ्री अपॉन वी फोर, ये उल्टा कैसे आ रहा, वी फोर अपॉन वी थ्री कहाँ गया इसका, अच्छा ये माइनस लगाना, ये माइनस यहाँ आएगा, क्लियर है, जब ये माइनस यहाँ आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा कैसे, ये इस तरीके से हो जाएगा, जैसे log v4 upon v3 है माइनस आएगा माइनस, देखो इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या रहेगा, ये आ जाएगा माइनस, माइनस बाहर ले लेते हैं, log v4 upon v3 को हम log v4 माइनस log v3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम उसमें माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो log v3 माइनस log v4 आ जाएगा, आ जाएगा। अगर हम इसको फिर से इसी फॉर्मूले में लिखेंगे तो लिख लेंगे हम log v3 अपॉन v4, इसी तरीके से लिख सकते हैं, जब हमारे भाग में होते हैं गुणा में पहुंच जाते हैं, प्लस में होते हैं तो भाग में गुणा में पहुंच जाते हैं, भाग में होते हैं तो माइनस में पहुंच जाते हैं, क्लियर है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पर क्या रहते हैं, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस से डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पर v3 अपॉन v4 कर देते हैं, ठीक है, v3 अपॉन v4, क्लियर। अब यहाँ v2 अपॉन v1 का मान कितना रखते हैं, v3 अपॉन v4, क्योंकि यहाँ पर पहले माइनस था और यहाँ पर माइनस नहीं, क्योंकि माइनस का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, किस तरीके से किया, ये है प्रोसीजर, क्लियर। तो वन माइनस टी टू यहाँ पर log v3 अपॉन v4 अपॉन t1 log v2 अपॉन v1 का मान रख देंगे v3 अपॉन v4, v4 ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी नई एफिशिएंसी आ गई टर्म्स ऑफ इन टेम्परेचर, ठीक, एक ये फॉर्मूला बन जाता है, कौन सा फॉर्मूला, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस t2 अपॉन t1, क्लियर, काय के ऊपर निर्भर करता है, टेम्परेचर के ऊपर, काय के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अब स्टेट
क्लासिफिकेशन है, इसके क्लासिफिकेशन है तीन, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में।